इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्विनी चौबे मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनके नाम पर मंथन जारी है। अनंत हेगड़े को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये दो चेहरे हैं जिसको लेकर सस्पेंस तकरीबन खत्म हो चुका है। आपको याद दिला दें, अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक चल रही है, फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है और ये वो मौका है जब संभावित चेहरों को फोन भी किया जा रहा है कि कल आप तैयार रहिएगा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र कुमार खटीक को भी मौका मिल सकता है, हरदीप पुरी को भी दिल्ली बुलाया गया है। बुलाने का मतलब ये हो सकता है कि कल वो नजर आए समारोह में शपथ लेते हुए। तो अनंत हेगड़े को मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जो फाइनल लिस्ट है उसको लेकर तैयारी चल रही है और आपको याद दिला दें, कल सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ चाय पीने की बात भी उनके सामने आ रही है। तो कल तो सस्पेंस पूरी तरीके से खुल जाएगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा देश के साथ हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या ये वो चेहरे हैं जिनको फोन जा चुका है दिल्ली से? बिल्कुल कविता, ये वो संभावित चेहरे हैं जो कल सुबह शपथ विधि में देखे जाएंगे। ये 9 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एकदम अलग तरह के नाम दिए हैं। जो मीडिया चला रहा था, जो मीडिया की निगाह जिन पर जा रही थी, उनमें से बिल्कुल नाम नहीं है। अश्विनी चौबे बिल्कुल अलग नाम आया बिहार से, साथ ही साथ शिव प्रताप शुक्ला, वीरेंद्र कुमार खटीक मध्य प्रदेश के दलित नेता हैं, हरदीप पुरी एक ब्यूरोक्रेट हैं, साथ ही साथ अल्फांसो जो कि दिल्ली में एनडीएमसी में काम कर चुके हैं, अल्फांसो को बिहार के कोटे से लिया गया। कई ऐसे नाम, राजकुमार सिंह कोई कल्पना नहीं कर सकता था इनके नाम की, अनंत हेगड़े को कर्नाटक से लिया गया। तो ये सारे के सारे नाम इस तरह के हैं कविता, जिनकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसे नामों को नरेंद्र मोदी ने ढूंढा है, छांटा है उन्होंने बड़ी छटनियों के बाद में कई सारे मंत्री। संजय, लेकिन आधार क्या रहा, क्या 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 जो 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 आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, उसको लेकर अकोमोडेट किया गया है या कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा गया है 2019 को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले हर संसदीय सत्र के दौरान कई बार सांसदों से मुलाकात होती थी, कई सांसद अपने अपने आईडीए लेके आते थे, प्रधानमंत्री उन सांसदों से आईडीए पूछते थे। जोधपुर के ऐसे एक सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के जोधपुर से आते हैं, उन्होंने नए सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे आईडी प्रधानमंत्री मोदी को दी कि जो प्रधानमंत्री जी ने उसको उन आईडियो को मन की बात में भी इंप्लीमेंट किया, साथ ही साथ उन पर अपनी एक योजना भी खड़ी करी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ आईडिया दिए, साथ ही साथ वोट जाति कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा गया। वीरेंद्र सिंह खटीक मध्य प्रदेश के हैं, दलित नेता हैं, दलित चेहरे को जगह दी गई है केंद्र सरकार में, बड़ी बारी बात है। अल्फांसो क्रिश्चियन नेता, लेकिन केरल से उनको कोई ना कोई प्रतिनिधि तो रखना था पार्टी को, कोई सांसद नहीं था केरल से, इसलिए उनको वहां से रखा गया। साथ ही साथ बिहार से राजीव प्रताप रूडी को जब ड्रॉप किया था, उसके बाद में एक ऐसे नेता की जरूरत थी, उसमें अश्विनी चौबे, शिव प्रताप, इन दोनों को रख करके बड़ा भारी उन्होंने मैसेज दिया है, मैसेज देने की कोशिश की कि जाति कॉम्बिनेशनों का भी ध्यान रखा है, साथ ही साथ स्थानीय प्रदेश के समीकरणों का भी ध्यान रखा है, बिल्कुल राज्य के प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, बामा जी की अपनी तैयारी है, वसुंधरा राजे की अपनी तैयारी है, मोदी जी को भी तैयारी करनी थी जाहिर तौर पर। अलावा इसके संजय, जिन जिन चेहरों को ड्रॉप किया गया है, अब उनको किस तरह की जिम्मेदारी देंगे? क्या संगठन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी या फिर कुछ को राज्यपाल बनाकर भी एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, फेवर देने की कोशिश की जाएगी? कलराज मिश्र तरीके, कविता जिस तरह की जानकारी हमको मिल रही है, फिलहाल कलराज मिश्र को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। देवरिया खाली सीट की सीट खाली करा के चुनाव लड़ने की बीजेपी फिलहाल रिस्क नहीं लेने के मूड में है। योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता को भी बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़वाया, विधान परिषद का सदस्य बनवाया। केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव न लड़वाते हुए सीधे सीधे विधान परिषद की यानी कि पिछले दरवाजे से एंट्री दी गई। तो आप देख, तो आप मान सकती है कि बीजेपी इस समय चुनाव लड़वाने के मूड में नहीं है। कलराज मिश्रा को फिलहाल गवर्नर नहीं बनाया जा रहा। अगर हम बात करें बाकी नेताओं के बारे में, तो राजीव प्रताप रूडी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई करप्शन के चार्जेस उनके बारे में मिले हैं प्रधानमंत्री को, और उनकी कुछ कॉल ट्रेस की थी आईबी ने, लिहाजा इन कारणों के कारण राजीव प्रताप रूडी को हटा। तो ऐसा लगता नहीं कि उनको संगठन में लिया जाएगा, लेकिन बाकी कुछ नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे उमा भारती, उनका विभाग बदला जा सकता है।
बिल्कुल, उमा भारती का विभाग बदल दिया गया। मैं आपको यहाँ पर एक खबर देना चाहूंगा, जल संसाधन मंत्रालय उनका बदल दिया गया है। खुद उमा भारती ने हम मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनका विभाग बदला है, उनको हटाया नहीं जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय हो सकता है अब सुरेश प्रभु को मिलने वाला है, ये भी संभावना है। नितिन गडकरी को बुला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नितिन गडकरी के पास में फिर से एक बार ऑप्शन है कि क्या आपको रेल मंत्रालय चाहिए या आप रक्षा मंत्रालय में जाएंगे। कल जब चार मंत्रियों की बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के घर पे, तो सब चारों ने मिलकर के अमित शाह का नाम दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने चारों को में से किसी एक को जिम्मेदारी लेने को कहा है और अब नितिन गडकरी पर आ गई है बॉल कुल मिलाकर के। संजय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न, कौन बनेगा रक्षा मंत्री कल, किस पर दाव लगाएंगे मोदी जी, अमित शाह? बिल्कुल बिल्कुल कविता, बहुत बड़ा सवाल है। नितिन गडकरी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री ऑफर दे चुके हैं रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों में से एक चुनने के लिए, लेकिन नितिन गडकरी अभी भी असमंजस के मोड़ में है कि क्या करें, क्योंकि उनका सड़क परिवहन मंत्रालय में काम काफी अच्छा रहा है, सराहना मिली है उनको, लेकिन रेल मंत्रालय साथ में नहीं जोड़ा जा रहा, अलग मंत्रालय ही मिलेगा, उसके लिए उनको सड़क परिवहन छोड़ना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे दिया है। कविता, बिल्कुल खुला ऑफर तो दे दिया है, लेकिन अलावा इसके और किस तरह की जानकारी सामने आ रही है संजय? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका मर्जर भी हो सकता है, जैसे सिविल एविएशन और रेल मंत्रालय के वो लोग मर्ज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर मंत्रालय को मिनिस्ट्री को मर्ज किया जा सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कविता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे इनिशियल आइडियाज थे कि कई इस तरह की सारी मंत्रालयों को क्लब कर देना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है, रेल है, लेकिन उस समय भी काफी विरोध हुआ था, वो लॉबी आज भी स्ट्रांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में। मैं आपको बताना चाहूंगा, अरुण जेटली ने सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया था कि अगर एक ही मंत्री को अगर सारे इस तरह के विभाग दे दिए जाएंगे तो वो मंत्री काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आज भी कल भी अगर हम नौ मंत्री अगर नए देखेंगे तो उनको अलग अलग विभाग देने पड़ेंगे, और लिहाजा एक ही मंत्री को सारे विभाग नहीं दिए जा रहे हैं, ये बात फिर से गलत साबित होने जा रही है कि एक ही मंत्रालय को सारे विभाग दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इस बात का विरोध करेंगे, अगर एक ही मंत्री को सारे विभाग दे दिए जाएंगे तो वो मंत्री काफी पावरफुल हो जाएगा अपने आप में। कविता जी, तो जिनका प्रमोशन जिनको प्रमोशन मिलना था तो उनको क्या विभाग मिलेगा, ये भी आपसे समझेंगे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को कुछ और विभाग मिल सकता है, पीयूष गोयल को क्या कुछ और जिम्मेदारी अतिरिक्त भी मिल सकती है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, उससे भी बड़ा सवाल ये है संजय कि AIADMK की हम बात करें, शिवसेना की हम बात करें, JDU की बात करें, JDU और शिवसेना का तो साफ तौर पर कहना है कि हमसे अभी तक संपर्क ही नहीं किया गया, क्या उनसे संपर्क किया गया है, क्या अलायंस को साथ लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर सिर्फ बीजेपी का ही हम ये सोचें कि बीजेपी का ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा? कविता थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्धव ठाकरे के साथ में नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं, आज रात को इन दोनों नेताओं से बात होना है। जहां तक अन्ना द्रमुक की बात है तो अन्ना द्रमुक फिलहाल कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहा है, ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, अन्ना द्रमुक के नेताओं ने मना कर दिया है। तो थंबीदुरई ने मीडिया से बातचीत करते हुए मना किया कि इस समय फिलहाल अन्ना द्रमुक सरकार में शामिल होने से दूर रहेगा, फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होने जा रहा। रही बात शिवसेना JDU की, तो हो सकता है आज रात को ही यानी कि कुछ ही देर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की बातें हो सकती है, उद्धव ठाकरे से और साथ ही साथ नीतीश कुमार से। उद्धव ठाकरे से एक बार नितिन गडकरी की भी बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर नितिन गडकरी ने भी आज बात की है उद्धव ठाकरे से, इस तरह की बात की थी, इसकी डिटेल अभी हमको नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज रात को ही बात जरूर होगी, अवश्य होगी। दोनों किस तरह से सरकार में शामिल होते हैं वो देखना पड़ेगा, कल ही मालूम पड़ेगा। बिल्कुल संजय, क्योंकि चिंताएं शिवसेना की बढ़नी लाजमी है, माना ये जा रहा है कि अनंत गीते के काम से बहुत ज्यादा खुश नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका मंत्रालय छीन सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो शिवसेना का एक ही तो प्रतिनिधि है वो भी चला जाएगा, तो फिर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? जाहिर तौर पर जो चिंता है वो बननी तय है। अलावा इससे किस तरह की जानकारी मिल रही है संजय, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि RSS का बहुत प्रभाव रहा है इस सूची को लेकर, मोहन भागवत से भी कल बहुत लंबी बातचीत की थी अमित शाह ने, और एक ये खबर भी सामने आ रही थी कि RSS को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, राम माधव को भी कोई मंत्रालय मिल सकता है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं कविता, राम माधव को मंत्री नहीं बनाया जा रहा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, राम माधव मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। राम माधव से हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा, वो खुद भी इच्छुक नहीं है, संगठन में काम करना चाहते हैं, राम माधव मंत्री नहीं बनने जा रहे। RSS की राय जरूर ली गई है,
लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह के चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे चेहरे कहीं ना कहीं इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पसंद के चेहरे हैं। अगर आपने आप देखें आरके सिंह, ये आरके सिंह पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट पर प्रधानमंत्री ने इस बार भरोसा किया है। सत्यपाल सिंह, आरके सिंह, साथ ही साथ में अल्फांसो और उसके बाद में हरदीप पुरी, ये करीब चार ऐसे चेहरे जो करीब पहले ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके कुछ सुझावों से इतने ज्यादा खुश थे कि प्रधानमंत्री ने खुद ने फैसला कर लिया था कि अगली कैबिनेट में इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस और इनसे उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। समय समय पर प्रधानमंत्री को इन्होंने जिस तरह से राय दी थी, सलाह दी थी, साथ ही साथ एक जोधपुर वाले सांसद शेखावत, ये कुल चार पांच ऐसे चेहरे थे जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण कैबिनेट में जगह दी है। कविता, बिल्कुल सजी, यानी कि ये माना जा सकता है कि इनकी जो प्रतिभा है उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तीन साल का जो कामकाज था तमाम मंत्रियों का, उसकी रेटिंग हमें ये जानकारी मिली है, रेटिंग की थी बाकायदा बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वेरी गुड, गुड, नेगेटिव, तीन तरह के ग्रुप्स बनाए गए थे। जिनका वेरी गुड था उनका प्रमोशन निश्चित है, जिनका गुड उनका मंत्रालय उनके पास ही रहेगा और जिनका नेगेटिव उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये वो लोग थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है तीन साल में, और अगले दो साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो अपनी छाप छोड़े काम के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल कविता, आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही इनको सजा मिली है। राजीव प्रताप रूडी को शिकायतों के चलते निकाला गया, उमा भारती को 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी गंगा सफाई नहीं हो पाई इसलिए हटाया गया, संजीव बालियान पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे मंत्रालय में, पिछले एक साल से किसी तरह से अपना काम चला रहे थे। इसके अलावा जितने भी मंत्री पर कार्रवाई, फग्गन सिंह कुलस्ते की शिकायत संगठन से आ रही थी कि संगठन के किसी भी आयोजन में वो शामिल नहीं हो रहे, बीजेपी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल नहीं हो रहे, जाते नहीं है आदिवासियों के लिए, कुछ भी उन्होंने नहीं की, ऐसी कोई चीज की पहल नहीं करी जिसको लेकर के कि सरकार को कुछ अच्छा लगता कि एक मंत्री उनका एक बड़ा मंत्री उन्होंने बनाया है। इसी तरह के सभी मंत्रियों के खिलाफ जो यानी कि मंत्रालय की, संजय यानी कि मंत्रालय की जिम्मेदारी तो नहीं संभाल पाए, संगठन को कितना मजबूत करते हैं ये अब देखना होगा मोदी जी को और अमित शाह को, इसलिए भेज दिया गया है कि अब आप संगठन को मजबूत करिए। आप बने रहिए मेरे साथ, बातचीत जारी रहेगी। और इसके बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपके सूत्रों आपको क्या जानकारी दे रहा है, क्या कल बहुत ज्यादा चौंका सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके कैबिनेट के चेहरे साफ हो जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता, चौंका सकते हैं क्योंकि तवज्जो इस बात पे दी गई है, एक फॉर्मूला बनाया गया कि जिसमें पैशन होगा यानी काम करने का पूरा जज्बा होगा और वो प्रोफेशनल होगा, और कोशिश ये की गई है जो 9-10 नाम हमारे सहयोगी संजय भी बता रहे हैं जो हम लोग को पता चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो पूरी तौर पे ये कोशिश की गई है कि वो अपने काम में जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और एक नए जज्बे के साथ काम करें, क्योंकि अब 2 साल का वक्त बचा है और इसमें सरकार को दिखाना है कि वो कमर कसके किस तरह से काम कर सकती है। यही चीज को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। जैसे आप कुछ एक नाम ले, आर के सिंह वो गृह सचिव रह चुके हैं देश के और उनके पास खासा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव रहा है, पुरी साहब है वो फॉरेन सर्विसेज में रहे, तो इसी तरह के अगर अनिल हेगड़े की बात करें तो वो पार्लियामेंट में बहुत सुलझी हुई बातें करते हैं, शुक्ला जी जो यूपी से आते हैं राज्यसभा में बहुत महीन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के इस फॉर्मूले पे काम किया गया है जिसपे इतनी नासाबच्ची चल रही थी, तो उसके बाद ये तय किया गया जो नाम अब सूत्रों से निकल के आ रहे हैं कि जैसा कि इंडिया न्यूज पे लगातार संजय और हम सारे सहयोगी बता रहे थे कि 9 से 10 पे ज्यादा लोगों का इंडक्शन नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में जो है ये जो भी नाम लिए गए हैं इनमें राजनीति से अलग हटकर सोचा गया है, पूरी तौर पर पीएम की जो एक मोहर होती है उन्होंने लगाया है कि जो लोग अपने काम में पूरे पैशन के साथ और पी फॉर्मूला जो था उस पर अगर खड़े उतरते हैं तो हम उन लोगों को, नए लोगों को ऐड करेंगे, और उसी का नतीजा है कि ये जो सूत्रों से नाम आ रहे हैं जो लगभग तय भी कहे जा सकते हैं कि तय है ये, पर फिर भी अभी हमें देखना होगा कल सुबह 10 बजे जो 10 या 10:30 बजे जो शपथ होगा उसमें किस तरह के और नए चेहरे उभरते हैं। प्रकाश जी, उससे पहले जब चाय पर मुलाकात होगी तो तब क्या ये सस्पेंस पूरी तरीके से साफ हो पाएगा? वो मुश्किल होगा कविता, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री आवास पे अगर उनको बुलाया गया है तो वो रोड के इस तरफ मीडिया होती तो वहां से देख पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन गाड़ी से आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि पूरी लिस्ट वहां पे उस वक्त बताई जाए, लेकिन अब काफी हद तक वस्तु स्थिति जैसा कि हम लोग सुबह से कह रहे थे कि रात होते होते काफी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा
जैसे मैं कह रहा हूँ सुपर वाकई धूम के बादल काफी हद तक छट चुके हैं, लेकिन प्रकाशी सहयोगियों के लिए वाकई में चिंता की घड़ी ये हो सकती है, क्योंकि नौ नए चेहरे होंगे, फ्रेश फेसेस होंगे, लेकिन सहयोगियों में किसी को भी अकोमोडेट करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई। हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जेडीयू से भी बात हुई, अब वाया सोर्सेज उनसे बात हुई, पर उनको जो फॉर्मूला दिया गया वो उनको पसंद नहीं आया। इसी तरह शिवसेना से भी बात हुई, अभी वो पूरी तरह वस्तु स्थिति क्लियर नहीं कि क्या बातचीत हुई, क्योंकि नितिन गडकरी लगातार अमित शाह के साथ, वो भी पीएम से मिलने गए थे, तो नितिन गडकरी अगर गए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के मामले में वो माहिर है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिश कोई ना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दोनों सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलहाल।